हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया। आप देख रहे हैं हमारी और आपकी यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रिया। सो फ्रेंड्स फिर से एक नई ट्रिक्स लेके आई हो आपके सामने। सो फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक्स है, आपको साइन अप बोनस आपको 50 रुपीज़ मिलेगा और आपको पार रिफर में भी 50 रुपीज़ करके मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये जो ऑफर है ये एयरटेल थैंक्स अप यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से। सो फ्रेंड्स, ये ओनली न्यू यूज़र के लिए है। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे बंदे हैं जो एयरटेल पेमेंट बैंक यूज़ करते हैं और उसके थ्रू ट्रांजैक्शन भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये ऑफर उसके लिए सही नहीं है। ये सिर्फ न्यू यूज़र के लिए है जो अभी तक एयरटेल थैंक्स यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक में कोई भी बैंक लिंक नहीं की है और उसे यूज़ भी नहीं की है। सो फ्रेंड्स, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगी। पहले आपको बता दूं कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। और फ्रेंड्स, आप अभी तक मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुई है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी लिंक डाल दी है, आप उसमें से ज्वाइन हो सकती हो। अगर उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका कोई भी दिक्कत हो रही है तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको क्या करनी है, प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद, ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आप सिंपली सर्च बॉक्स पर जाकर आप @TechnicalPriya लिख के सर्च कर लो। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स, देख सकती है कि आपके सामने मेरी चैनल शो करेगा, फिर आप उसमें से ज्वाइन हो सकती हो। क्योंकि फ्रेंड्स, देख सकती है ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लूट वीडियो या डील्स कोई भी हो, मैं पहले आपको टेलीग्राम पे डालती हूँ फिर इसका वीडियो बनाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप अभी तक मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लूट वीडियो आते हैं, लूट ऑफर्स आती है जो कि बहुत कम टाइम के लिए आती है। तो फ्रेंड्स, मैं वो अपने टेलीग्राम पे डालती हूँ फिर इसका वीडियो बनाती हूँ। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो को ध्यान से देखनी है और स्किप नहीं करनी है। अगर स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, आपको सिंपली क्या करनी है, प्ले स्टोर से एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड करनी है। आपको इसका लिंक मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, उस ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली उसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कंटिन्यू वाला बटन को प्रेस करना होगा। प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। सो फ्रेंड्स, आपको याद रहे कि आपको यहाँ पर ऐसे ही नंबर डालनी है जिस नंबर पे आपको कोई भी बैंक हो और फ्रेंड्स वो कोई भी सिम हो, वोडाफोन हो या एयरटेल हो, जियो हो या जो भी सिम हो, आप वही सिम इस पर यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपका जिस नंबर पे अकाउंट पेटीएम अकाउंट है और आप जिससे आप UPI ट्रांजेक्शन कर सकती हो, आपको उस नंबर पे ही इसे रजिस्टर करना होगा। सो फ्रेंड्स, सिंपली आप इस पे मोबाइल नंबर डाल के आप इसको कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स, सिंपली आपके फ़ोन पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना होगा। डालने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। फ्रेंड्स, इसको आपको कुछ नहीं करनी है, सिर्फ आपको स्किप कर देनी है। सो फ्रेंड्स, इसको ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करनी है, यहाँ पर ऊपर जो राइट पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको गेट वॉलेट, आपको उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा, इस एयरटेल पेमेंट का जो वॉलेट है, इस वॉलेट को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड, आप अगर इसे क्रिएट नहीं करोगे तो आपको जो बोनस मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, सिंपली आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, पिन कोड और यहाँ पर ID प्रूफ देना पड़ेगा। आप आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपकी मर्जी है, आप इसे डाल के आप सिर्फ इसे कंटिन्यू कर देना है। सो फ्रेंड्स, वॉलेट क्रिएट करने के बाद आप जब कंटिन्यू करेंगे तो आपको वॉलेट का पिन क्रिएट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आपकी मर्जी है, यहाँ पर आप कोई भी फोन नंबर यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेती हूँ। फिर से आपको कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आपके फ़ोन पे फिर से एक OTP जाएगा, आपको उसमें डालना होगा। डालने के बाद आपको कंफर्म कर देना होगा। सो फ्रेंड्स, फिर आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। आपको सिंपली इसे क्या करनी है, आपको इसे एक्सप्लोर कर देना है। एक्सप्लोर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा और आप देख सकते हैं फिर आपको वॉलेट का इस ऑप्शन आपको दिखेगा। सो फ्रेंड्स, ये तो गया, आपका अकाउंट रजिस्टर कर लिए, लेकिन फ्रेंड्स आपको 50 रुपया कैसे मिलेगा, आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा। फ्रेंड्स, सिंपली आपको क्या करना होगा, एयरटेल थैंक्स का जो ऐप्स आपने ओपन किए, आपको सिंपली इसे रैम से क्लियर कर देना होगा। क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपको सिंपली इसे रैम से क्लियर कर देना होगा। फ्रेंड्स, क्लियर करने के बाद आपको मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन है तो टेलीग्राम पे आपको कुछ इस तरीके से एक लिंक दिखेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स, आपको रिडायरेक्ट आपको जो पेटीएम पेमेंट, एयरटेल पेमेंट का जो बैंक का जो आप ऐप्स है, आपको उसमें ले जाएगा। आप ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा। प्रोसेसिंग होने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दिखा जाएगा कि
कि आपको यहाँ पर 50 रुपया मिलेगा आप अगर किसी को मनी सेंड करें। तो फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ पर क्लेम नाउ कर देना है। क्लेम नाउ करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड कर देना है। गेट स्टार्टेड करने के बाद आपको सेंड SMS करना है। आपको क्या करना है, आप जिस नंबर से इसे रजिस्टर की है आपको सिर्फ उस सिम को चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपको पोस्ट कर देना है। उसको चूज़ करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको पे जो आपका जो बैंक अकाउंट है उसको चूज़ करना होगा। चूज़ करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, सो फ्रेंड चूज़ करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कोई भी UPI से इसे 200 रुपीज़ आपको सेंड कर देना है। वो कोई भी UPI ID हो, फ़ोनपे या पेटीएम, कोई भी आप दूसरे बंदे की कोई भी अकाउंट पे UPI के थ्रू आप 200 रुपीज़ उसे सेंड कर दो। मनी सेंड करने के बाद फ्रेंड्स आप कुछ देर रुकिए, 5 मिनट या 10 मिनट तक। अब जब रुकेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोन पे एक मैसेज दिया जाएगा कि 50 रुपीज़ आपका वॉलेट पे क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद आप सिंपली एयरटेल थैंक्स का जो ऐप से आप उसे ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर आपका जो बैनर शो करेगा वॉलेट का, वॉलेट पे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, आपको 50 रुपीज़ दिखाएगा। आप फ्रेंड्स आप इस 50 रुपीज़ को क्या करोगे, आपको अगर फ़ोन पे रिचार्ज करनी हो तो आप रिचार्ज भी कर सकते हो। और अगर आपका कोई दूसरा फ्रेंड है जिसका एयरटेल पेमेंट बैंक है उसको आप उसका जो मर्चेंट अकाउंट का जो QR कोड है आपको उस QR कोड से 50 रुपीज़ सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आप फिर उससे ले लेना। और फ्रेंड्स आपको याद रहे कि ये आपको या आप रेफ़र भी कर सकते हैं और रेफ़र में भी आपको 50 रुपीज़ मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपका जो लिंक है वो सिर्फ 5 फ्रेंड्स ही यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप रेफ़र कैसे करोगे, आप एयरटेल थैंक्स ऐप्स का जो ऐप्स है आपको सिंपली उसे ओपन करना है। फिर इस पर जो बैंक ऑप्शन है आप सिंपली उस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक बैनर शो करेगा रिफंड अर्न का। सिंपली आप उस पर क्लिक करो, उस पर क्लिक करने के बाद इसमें से किसी को भी शेयर कर दो। फ्रेंड्स आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपने 2 फ्रेंड्स को रेफ़र की थी इसलिए मुझे 50-50 करके 100 रुपीज़ मिल गई है। सो फ्रेंड्स जितना जल्दी हो सके आप इसे यूज़ कर लो। और मेरे वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर ज़रूर करना।